आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं ईश्वरं प्रति गच्छति। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। ईश्वर प्राप्ति के लिए जब हम आध्यात्म मार्ग पर चलते हैं तो हमारे सामने प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का पथ होता है। आमतौर पर इन तीनों शब्द का प्रयोग लगभग एक अर्थ में होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। भले ही प्रेम, भक्ति और श्रद्धा एक ही आध्यात्म की माला में गुथे हुए हैं, लेकिन आध्यात्म की गहराइयों में डूबने के लिए इन तीनों के बीच के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। प्रेम का अर्थ है कि आप जब स्वयं को किसी के लिए बदलने को तैयार हो जाए या स्वयं से ज़्यादा किसी और को मानने लगे तो वो प्रेम होता है। आध्यात्मिक जगत में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना इंसान में ऐसा बदलाव लाती है जो उसे आध्यात्मिक चिंतन से जोड़ देती है। हालांकि प्रेम में मोह का भी बंधन होता है, लेकिन ये आपको सब कुछ त्याग देने के लिए प्रेरित करता है। जब आप प्रेम की आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, स्वयं में एक आध्यात्मिक बदलाव पाते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। प्रेम के चरम पर पहुंचने पर मैं का यानी अहंकार का नाश हो जाता है, जो कि आध्यात्म की एक बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं श्रद्धा की। मनुष्य का आध्यात्मिक प्रेम जब अपनी सीमाएं लांघ जाता है तो श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा का शाब्दिक अर्थ है किसी पर आदर पूर्वक विश्वास करना। जब हम गुरु, ईश्वर, माता पिता पर विश्वास करते हैं तो यह उनके प्रति हमारा श्रद्धा होती है। श्रद्धा हमें तर्क और कुतर्क के बंधनों से मुक्त कर देती है, क्योंकि श्रद्धा का आधार होता है दृढ़ विश्वास। यही विश्वास ईश्वर के प्रति हमें एक निष्ठ बनाती है। जब अहंकार का पूरी तरह विनाश हो जाता है तो ईश्वर पर दृढ़ विश्वास जम जाता है। तब जन्म लेती है भक्ति। वो भक्ति जिसके महिमा बड़े बड़े योगियों, ऋषियों और महर्षियों ने गाई है। एक की निष्ठा ईश्वर के प्रति एक निष्ठ रहती है। ईश्वर के प्रति उसका भाव अगाध होता है। वो समस्त सवाल जवाब, तर्क वितर्क, साकार निराकार आदि सीमाओं को पार कर जाता है। भक्ति के चरम पर पहुंचा हुआ भक्त अपने ईश्वर से एकात्म का बोध करने वाला लगता है और स्वयं ही ईश्वर को धारण कर लेता है। आध्यात्मिक साधनाओं का चरम भक्ति में निहित है। भक्ति में श्रद्धा और प्रेम दोनों ही समाहित है। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों भाव आध्यात्मिक उन्नति के चरण है। प्रेम से श्रद्धा और श्रद्धा से भक्ति तक पहुंचने का रास्ता प्राप्त होता है। ईश्वर की भक्ति में डूबा मनुष्य अपनी समस्त वासनाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके ज्ञान चक्षु खुल चुके होते हैं। भक्ति का अतिरेक एक प्रदाहक अग्नि की तरह है जो भक्त के समस्त कलुषों का नाश करके उसे खरा सोना बना देती है। तब जाकर वो ईश्वर को प्राप्त करता है, या कहिए कि स्वयं ही ईश्वर हो जाता है। जय श्री कृष्ण।